बढ़ेंगे और अब फटाफट से आपके स्क्रीन पर वो शेयर आ जाएंगे जो कल के सुपर हिट शेयर रहे, यानी कि कल सचिन तेंदुलकर थे हमारे साथ, तो उनका रिपोर्ट कार्ड देखते हैं क्या हुआ। एयू स्मॉल फाइनेंस उन्होंने कल दिया था, तो उसमें वजह से आपको 2.5% का गेन आया होगा। निपोन फ्यूचर्स भी उनकी तरफ से बेचने की कॉल थी, 2% का गेन वहाँ से, और विप्रो के फ्यूचर्स को प्लस करने की रिकमेंडेशन दे रहे थे, तो वो वहाँ से भी आपको गेन आया होगा। सचिन तेंदुलकर कल हमारे साथ जुड़े थे ट्रेड शिफ्ट के, वो ये कह रहे थे कि इन सभी ट्रेड्स में आप अगर पोजिशन बनाएंगे तो फ़ायदा होगा, उसका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। आज के मेहमान चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उनसे जाएं उससे पहले जरा निफ्टी बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। पहले आएगा निफ्टी, 5% का ओपन इंटरेस्ट है, ट्रेंड है सपाट, आज मार्केट के अंदर कुछ हो नहीं रहा, पॉलिसी को काफ़ी हद तक डाइजेस्ट करने की कोशिश हो रही है, दोनों तरफ बराबर का जोर है, कॉल्स भी और पुट्स भी आमने सामने खड़ी हैं। विक्स 18 के आसपास है, जो थोड़ी देर पहले नीचे चल भी रहा था आपको, इसलिए बिल्डअप ठीक है लेकिन ट्रेंड क्लियर नहीं है। ट्रेंड के अंदर जैसे ही पोजिशन बनेगी बाजार वहीं खींचता चला जाएगा, ये नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है, बहुत ही एक सिल्वर लाइनिंग वाली सिचुएशन पर अभी आके खड़ा हुआ है। ओवरऑल वैसे डाटा के हिसाब से देखें तो बाजार के लिए 17,918 वाली जो कॉल राइटिंग है वो एग्रेसिवली मार्केट के सामने खड़ी हुई है, और अब 17,700 आज की राइटिंग का प्रेशर भी झेल रहा है बाजार, तो 17,743, 17,800, 900 ये सारी रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नया सपोर्ट 500 की रेंज में है। आगे चलते हैं, बैंक निफ्टी 14% का ओपन इंटरेस्ट है, आज इवेंट का दिन है, आपको पता है कि क्लोजिंग होते होते हो सकता है निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे माफ कीजिएगा, उतार चढ़ाव काफ़ी रहेगा, तो इसलिए इसके लिए तैयार रहिएगा। ट्रेंड अभी सपाट है, किसी तरह का कोई खास बड़ा मूव नहीं है, आज का रेजिस्टेंस है 37,900, इसके ऊपर जाने में मुश्किल होगी अब बैंक निफ्टी को, और सपोर्ट जो है वो 37,270 का है। कुल मिला के 700 पॉइंट की एक रेंज है जिसके बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा, और आज आपको 300-400 पॉइंट का स्विंग तो ऑलरेडी दिखाई चुका है। खैर, इन सब पे हमने आपके सामने डाटा रख दिया, अब करना क्या है ये हमको बताएंगे चंदन तापड़िया। चंदन जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। बाज़ार धीरे धीरे अपने लोज को टेस्ट करके या फिर बेस बना के कोशिश कर रहा ऊपर आने की, ये आज किस तरफ हम जाएंगे, यानी कि 17,700 के ऊपर की क्लोजिंग आपको दिखती है, ये तो मेरा पहला पॉइंट। दूसरा, अगर दिखती भी है तो कितना और ऊपर, और बैंक निफ्टी पे आपका रुख क्या है सर? बिल्कुल नमस्कार, देखिए सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि 4 दिन का करेक्शन अब कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि बाजार आज डिप दिखाया, बट डिप के बाद में बार बार नीचे के लेवल से बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है। आप देखोगे आज का जो लो है वो 17,600 है, और उसके बाद में थोड़े थोड़े हायर लोज बन के और बुलिश मोमेंटम बना है, इवन लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे बाय सिग्नल बनने लग गए, और मेरा ऐसा मानना है कि बाजार यदि यही बंद हुआ और मंडे को हल्का सा पॉजिटिव ओपन हुआ तो 4 दिन का लोअर हाई लोअर लोज निगेट कर देगा और वापस बाजार में अपस्विंग स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारा ऐसा मानना है कि 17,600 एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, और उस सपोर्ट के सामने 17,777 और 17,900 तक के अपसाइड बनने चाहिए। तो आप कोई भी डिप या करंट लेवल पे 17,600 का स्टॉप लॉस ले, ऊपर में 17,777 और 17,900 के टारगेट के लिए। अब हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी आप देखोगे नीचे से अच्छा रिकवरी देख रहा है। बैंक निफ्टी में अच्छी बात यह है कि पिछले दिन का जो मेजर लो था 37,350 वो नहीं तोड़ा और नीचे के लेवल से बाइंग, 37,350 का स्टॉप लॉस रखे, ऊपर में 38,000 के टारगेट के, तो 38,000 बैंक निफ्टी में 17,777 17,900 निफ्टी में टारगेट के लिए आपको। ओके ठीक है, तो आपका व्यू पॉइंट काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। अभी आप ये कह रहे हैं कि आज का दिन तो भले ही रेंज का रहेगा बट वो थोड़ा पॉजिटिव बायस है। दूसरा, मंडे को भी अगर आज क्लोजिंग हम ठीक देते हैं तो मंडे को हल्का गैप फिर से कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद रियल टेस्ट फिर से होगा कि हमको वापस तेज़ी दिखानी है या फिर प्रेशर। कुल मिला के जो वेरी इंपॉर्टेंट और इमीडिएट लेवल्स हैं वो आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, जैसे निफ्टी 17,770 आज के लिए टारगेट हो सकता है, ऑलमोस्ट हम 700 की रेंज में आ ही चुके हैं, लेकिन उतार चढ़ाव आपको दिखेगा, इसलिए स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा, वो है 17,600 का, ये आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरी ओवर ट्रेड लेके जाना चाहते हैं तब भी यही स्टॉप लॉस आपके लिए होगा। बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप जरा वहाँ पर भी देखेंगे आपको वहाँ पर भी क्लियर पिक्चर वैसी दिख जाएगी जो आपको दिखनी चाहिए। एक काम हम और करते हैं, जरा बैंक निफ्टी का आपको एक आवरली चार्ट या फिर डेली चार्ट आपको दिखा देते हैं, उसमें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि बैंक निफ्टी किस रेंज में आपको ट्रेड करते हुए देखेगा। पहले बैंक निफ्टी की तरफ देखेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे कि आज के शेयर कौन से हैं। जब तक आप लेवल्स एक बार नोट कर दीजिए, मैं चार्ट आपके स्क्रीन पर लेके आ रहा हूँ बैंक निफ्टी का, उसको जरा देखते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे
38,000 का टारगेट है, एक रेंज में फंसा हुआ है। मैं आपको पिछले 3 दिन से दिखा रहा हूँ और मैं जानबूझ के इसलिए भी दिखा रहा हूँ ताकि आप उसको एक बार जान पाए, समझ पाए कि क्यों इस रेंज के साथ हम लेवल के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं। दो इंपॉर्टेंट फिर से, जब से इसने 200 दिन के एवरेज को देखा, सडन स्टीप वॉल, उतना ही स्पीड से राइज भी, तो ये हिस्सा तो हो गया बराबर जहाँ पर आप वी मार्क देख रहे हैं, ये तो हो गया कम्प्लीट। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं, पहले थोड़ा हम साइडवेज हुए, उसके बाद फिर चैनल का ब्रेकआउट हुआ है जहाँ पे पहला एक्लिप्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसके बाद का सडन स्पाइक ऊपर आया है और जहाँ पे हरे कलर की लाइन जो हमने जस्ट ऊपर मार्क की हुई है वो एक रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट के पास एक गैप है, ये गैप को कर रहा है वो फिल। अभी इसके पास 200 दिन के एवरेज का सपोर्ट है, सामने रेजिस्टेंस है और ये पूरा एरिया बाज़ार के लिए इस समय फंसन वाला एरिया, यानी कि फंस सकता है यहाँ पे, क्योंकि इसका गैप भी है। इसलिए थोड़ा साइडवेज रहेगा बाजार आज। अगर आप देख भी रहे हैं 35,000 के इंडेक्स भी आज 37 पॉइंट भी ऊपर नहीं हो पा रहे, कन्विक्शन ही नहीं दिला पा रहे, ना ही निफ्टी से 17,000 की कन्विक्शन आ रही है, ना ही 37,000 की बैंक निफ्टी से कन्विक्शन आ रही है। ये इस रेंज की खूबसूरती है और विक्स कम हुआ पड़ा है, PCR कम है, एक तरफा कहीं कोई ट्रेंड नहीं है। इसलिए आज का दिन इवेंट का दिन है, छोटा छोटा ट्रेड लें, नहीं लेंगे इंडेक्स को तब भी छोड़ सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट ज़्यादा अच्छी मिल रही है, आप वहाँ पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, लेकिन फिर भी हमने आपके लिए एक व्यू पॉइंट निफ्टी बैंक निफ्टी का जो रखना होता है वो रख दिया। आगे बढ़ते हैं, तेज़ी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, चंदन जी बताएंगे इन शेयर्स पर करना क्या है। पहले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर, तो तेज़ी वाले शेयर्स में दो कैटेगरी हमने यहाँ पे रखी हैं। आज जिस शेयर में तेज़ी है उसमें बंधन बैंक, जिसमें ब्लॉक डील भी लगी थी, 3% इक्विटी के हाथ बदला, HDFC ने 5 करोड़ शेयर अपने बेच दिए, शेयर टूटा नहीं बल्कि हाई पे है। ये चेंज ऑफ हैंड्स होने के बाद टिपिकली अगर शेयर क्रैक ना करे और अच्छे लेवल्स पे मेंटेन करे, आज के लो को प्रोटेक्ट कर जाए तो फिर काफ़ी अच्छा चलता भी है, तो 10 रुपये आज ऊपर है ये। दूसरा है पॉलीकैब, चंदन जी जरा दोनों शेयर्स देख लीजिए, दोनों में से क्या ज़्यादा ठीक दिख रहा है आप बता सकते हैं सर। बिल्कुल, देखिए आप सबसे पहले पॉलीकैब की चर्चा करें तो यहाँ पे लगभग 25% के ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुए हैं और मैं मंथली चार्ट पे देख रहा हूँ एक पोल एंड फ्लिक के मेजर ब्रेकआउट के लिए काउंटर तैयार हो रहा है, तो पॉलीकैब तो काफी अच्छा लग रहा है और जिस हिसाब से डेटा सेटअप है, हल्का सा फॉलोअप भी आया तो यहाँ पे एक बड़े मोमेंटम बनेंगे। इवन डेली चार्ट में भी काफी अच्छा सेटअप है, यहाँ पे 2630 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में आपको 2850 तक के अपसाइड के लिए। बंधन बैंक के इस काउंटर में भी आपको लॉन्ग के बिल्टअप देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखिए एक इमीडिएट हर्डल लगभग 330 के आसपास है, तो ओवरऑल तो तेजी लग रही है पर 330-331 निकलता है तो मोमेंटम और स्पीड अप हो जाएगा ऊपर में लगभग 355 के टारगेट के लिए। तो ओवरऑल 313 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रहेगी, 330-331 के ऊपर निकले तो पोजिशन को और भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि बंधन बैंक भी ठीक है, साथ ही पॉलीकैब भी ठीक है दिख रहा है आपको। मैं दोनों के ना चार्ट एक बार आपको जरा स्क्रीन पे दिखाऊंगा, एक एक करके दिखाऊंगा, आज दोनों को देखना बहुत जरूरी है, दोनों में ही एक पॉइंट है। पहले बंधन बैंक के आप लेवल्स नोट कर लीजिएगा, 331-335-313 का टारगेट है। अब आते हैं जरा पॉलीकैब के चार्ट पर, आपको स्क्रीन पर दिखेगा, फिर बंधन बैंक के चार्ट को भी दिखाएंगे चेंज करके। इस समय पॉलीकैब का चार्ट आप देख पा रहे हैं, एक रहना रेजिस्टेंस है, इसको एक मिनट के लिए फुल फ्रेम में रखिएगा और इसके अंदर आपको जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ दिखेंगी, 200 दिन के एवरेज को भी हमने कभी भी ब्रेक नहीं किया, ये आप देख पा रहे होंगे 200 दिन के एवरेज कभी भी ब्रेक नहीं हुए। एक और पॉइंट है, बार बार अपने लोस को सेम लेवल पे आके टेस्ट करता है, पीछे जो वी मार्क है वहाँ पे भी, उसके पीछे भी, आगे भी, अगर कभी तोड़ा भी तो 200 दिन के एवरेज का सपोर्ट लिया, फटाक से फिर से ऊपर आ गया, ये एक अच्छी चीज़ है इस पॉलीकैब के लिए। दूसरा पॉइंट, सामने एक रेजिस्टेंस है, आप बिल्कुल टॉप पे देख पा रहे होंगे दिस वन, ये एक रेजिस्टेंस है जिसको भी हिट करने जा रहा है, अगर रेजिस्टेंस को पार कर गया तो फिर अच्छा चलेगा, नहीं तो फिर मुश्किल आ सकती है। इसी कैटेगरी में अगर आपको मैं दूसरा शेयर जो जिसको हम कहते हैं बंधन बैंक, अगर मैं वो आपको दिखाऊं तो वो उसके अंदर भी आपको सेम चीज़ दिखेगी, बट हाँ फिर भी कन्विक्शन के हिसाब से बंधन बैंक थोड़ा ज़्यादा ठीक है। तो बंधन बैंक आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, तो एक बार बंधन बैंक के आप जब तक लेवल्स नोट कीजिए और उसके बाद हम आपके स्क्रीन पर ये सभी चीज़ें लेके आ रहे हैं। 313 का टारगेट है बंधन बैंक का, ये बंधन बैंक का चार्ट आपके स्क्रीन पर, आप इसको भी जरा नोटिस कर लीजिएगा, डेली चार्ट्स होंगे आपके स्क्रीन पर, सेम पॉलीबैक की तरह, पॉलीकैप की तरह ही है ये बंधन बैंक का चार्ट। यहाँ पे डेली बेसिस पर अगर आप देख रहे हैं सेम रेजिस्टेंस इसमें भी दिखेगा आपको, चार्ट को एक मिनट के लिए फुल स्क्रीन कीजिए, हटा दी यहाँ से साइड से,
फुल स्क्रीन देखेंगे तो आपको साफ दिखेगा, सेम रेजिस्टेंस को ये भी पार कर रहा है, बट इसका कन्विक्शन थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके पास वॉल्यूम का बेस है जबकि उसके पास वॉल्यूम का बेस नहीं था, इसके पास बैक टू बैक अच्छा कन्विक्शन इसने मेंटेन किया हुआ है जबकि वो थोड़ा स्लो मूवर है पॉलीकैब इसके मुकाबले, बंधन के मुकाबले, और आज इसमें ब्लॉक डील भी है, इवेंट्स भी हुआ है, 5 करोड़ शेयर HDFC ने बेचे, हाथ बदला हुआ हुआ है, तो बंधन बैंक का टारगेट आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। पॉलीकैब पे रेंज फिलहाल अभी कुछ खास साफ क्लियर नहीं, तो इसलिए दोनों में से बंधन बैंक ज़्यादा ठीक है। चंदन जी ठीक है ना, फिर बंधन बैंक के साथ ही आगे बढ़े, ओके कर दें इसको पास कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से DPC यहाँ पे थी, पॉलीकैब एक दो दिन फॉलो अप हुआ है यहाँ पे टिक गया तो एक बड़े मूव के लिए भी आप देख सकते हो, तो बंधन तो अच्छा है बट मेरे हिसाब से पॉलीकैब को भी आप मिस नहीं करें, देख सकते सर। फिर एक काम करो ना, फिर पॉलीकैब भी टारगेट दे दो आप, बिल्कुल यहाँ पे 2850 तक के अपसाइड। सर एक बार स्टॉप लॉस वापस बताएंगे, बिल्कुल देखिए मौजूदा लेवल से आप यहाँ पे अब 2630-35 का स्टॉप लॉस, 2850 पे, ठीक है 2750 का टारगेट आप कह रहे हैं और 2630 का एक स्टॉप लॉस कह रहे हैं पॉलीकैब में, ये आपका स्टॉप लॉस। सर बता कुछ कह रहे हैं आप, मैंने कुछ गलत बताया, बताइए 2850 का टारगेट, 2850 ओके ठीक है। आपके आवाज़ ना थोड़ी क्रैक होकर आ रही है, हमको अच्छे से सुनाई नहीं दे रही है, इसलिए माफी चाहता हूँ, बट ठीक है हम लेवल्स को करेक्ट कर रहे हैं। 2850 आपका टारगेट है, 2630 आपका स्टॉप लॉस है, दो शेयर क्लियर होकर आए हैं बंधन बैंक और पॉलीकैब। सर शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर है, एक है कंटेनर कॉरपोरेशन, दूसरा है गुजरात गैस, इन दोनों को भी जरा चेक कर लीजिए क्या करना चाहिए। देखिए कॉन्टर में तो हम पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं, इनफैक्ट पिछले 4-5 दिन से मैं इस काउंटर को क्लोजली ट्रेक कर रहा हूँ, तो कॉनकॉर्ड तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है, हालांकि कल के दिन थोड़ा सा सेलिंग हुआ था बट उसके बावजूद भी जो 677-680 का सपोर्ट है वो तोड़ नहीं रहा है, तो 677 के सपोर्ट से ओवरऑल लॉन्ग कोई से नहीं रखनी चाहिए, ऊपर में 725 और 732 तक के लेवल यहाँ पे बनने चाहिए, तो कॉनकॉर्ड में यहाँ पे पॉजिटिव बायस मेरे हिसाब से बनने चाहिए। दूसरा आपने गुजरात गैस की बात की, गुजरात गैस ओनली शॉर्ट कवरिंग का यहाँ पे कैंडिडेट है क्योंकि मेजर ट्रेंड नेगेटिव है, बट वीकली सेटअप पे देखें तो लगभग पिछले 10-12 वीक के बाद पहली बार लोअर टॉप लोअर बॉटम को निगेट कर रहा है, यहाँ पे ओनली बाउंस के लिए प्ले करें 516 के सपोर्ट से 555 के टारगेट के, 555 का टारगेट, 516 का स्टॉप लॉस है, गुजरात गैस पे देखा सकते हैं, पुल बैक का शेयर है ध्यान रखिएगा, गुजरात गैस पर पुल बैक का शेयर है। अगर आप फ्यूचर्स की प्लेट दिखा सकते हो तो एक बार फ्यूचर्स की प्लेट दिखाइए, हर शेयर की दिखाइए जिसकी आपके पास अवेलेबल है। कंटेनर कॉरपोरेशन 725 का टारगेट और 677 का एक स्टॉप लॉस है, इस पे भी आप ध्यान रखिएगा। ये गुजरात फ्यूचर्स का चार्ट और गुजरात फ्यूचर्स की प्लेट, और जो ऑप्शंस वाली प्लेट अगर आप दिखा पाए जिसमें ओपन इंटरेस्ट चेंज होता है वो भी आप चाहे तो दिखा सकते हैं, लेकिन दोनों लेवल्स आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट्स के शेयर आपके स्क्रीन पर आएंगे। RBL बैंक, अगर आप बैंकिंग में देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा छोटे मझोले बैंक्स के अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, 4% शेयर नीचे है। ओबेरॉय रियलिटी, चंदन जी एक बार जरा दोनों शेयर्स को चेक कीजिए, एक है रियल एस्टेट का, एक है बैंक का, और आज थी पॉलिसी, दोनों इंटरेस्ट रेट वाले हैं और दोनों के अंदर थोड़ा शॉर्टिंग हुई है, एक बार आपकी राय सर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप RBL बैंक को देखें तो बिल्कुल यहाँ तो शॉर्ट्स की राय रहेगी, मेजर ट्रेंड नेगेटिव है, आप देखो कोई भी बाउंस यहाँ पे टिकते नहीं है, तो RBL बैंक में तो बिल्कुल यहाँ पे बिकवाली की सलाह रहेगी, 136 का स्टॉप लॉस है, नीचे में आपको 125-123 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। ओबेरॉय रियल्टी है वहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा सा रुके क्योंकि मेजर ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव था, एक ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हो रहा था बट फॉलो अप नहीं आया, तो RBL में तो बिकवाली की सलाह है, ओबेरॉय में थोड़ा सा वेट एंड वॉच का यहाँ पे सलाह रहे। सर RBL के फिर आपको लेवल्स देने होंगे, अभी चल रहा है 131 रुपए के आसपास सर। RBL इसलिए मैंने यहाँ पे 136 के स्टॉप लॉस बताए, नीचे में 125-123 के टारगेट के, 125-123 तक के टारगेट है, 136 का एक स्टॉप लॉस है। RBL बैंक पे ध्यान रखिएगा, दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जरा मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, आपके चार्ट पे आ जाएगा RBL बैंक, ये डेली बेसिस पर हमने चार्ट है, फ्यूचर्स की प्लेट भी आपकी स्क्रीन पर होगी और लेवल्स भी आपके पास आ जाएंगे। 136 का स्टॉप है, 123 का टारगेट है, RBL बैंक को फुल फ्रेम में रखिए एक मिनट के लिए, और आपको दो चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला गैप डाउन, पीछे आ जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ये है गैप डाउन, ये गैप है टिपिकली, उसके बाद इसको फिल करने की कोशिश तो की गई लेकिन 50 दिन के एवरेज का रेजिस्टेंस कोई पार नहीं हुआ, कोई अटेम्प्ट नहीं हो रही है, धीरे धीरे करके इस अटेम्प्ट को पार करने की कोशिश थी, लेकिन यहाँ से भी ये शेयर थोड़ा फेल हो रहा है, जो शॉर्ट टर्म छोटी एवरेज को भी पार करने में बार बार फेल हो रहा है, तो उससे आप बहुत बड़ी कन्विक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते फिलहाल, तो हो सकता है अभी थोड़ा और ड्रैग करें और अपने प्रीवियस लो जो आपने यहाँ पे देखे हैं
या फिर थोड़ा और मैं अगर पीछे चला जाऊँ तो आपने जो यहाँ पे देखे हैं ये सारे लोस तक भी पहुँचेगा, इसलिए फिलहाल इसको एक स्टॉप लॉस दे देते हैं हम 136 रुपये का, 125-123 आपका टारगेट है। आरबीएल बैंक डेली चार्ट पे कन्विक्शन लूज करके बैठा है, आप इसमें अलग करिएगा। SBI RBL में फ़र्क होगा, बैंक के नाम से सारे बैंक नहीं खरीदने, जहाँ पर मजबूती है वही खरीदना है, जहाँ पर वीकनेस है वो छोड़ देना है। 136 का स्टॉप लॉस 123 तक आ सकता है। सर आगे बढ़ते हैं, अनवाइंडिंग के दो शेयर हैं जो टिपिकली इन्वेस्ट ट्रेडर्स के फैंसी शेयर हैं, एक है NBCC, दूसरा सर GMR इंफ्रा। एक बार ये दोनों शेयर्स देख लीजिए, परसेंटेज में ज़्यादा नहीं टूटे हुए हैं लेकिन वैसे इनमें बिल्डअप उतना स्ट्रांग है नहीं, थोड़ी अनवाइंडिंग हो रही है सर इनमें। मेरे हिसाब से इन काउंट को अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि NBCC और GMR इंफ्रा में कोई बड़े स्विंग्स नहीं देखे गए, हालांकि नीचे में जरूर 36 रुपए से लेके 41 तक की रिकवरी हुई है, बट वापस ऊपर में हर्डल आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इन काउंटर को अवॉइड करें, इतना फॉलो मार्केट में इनमें नहीं है। GMR इंफ्रा की बात करें तो उसमें भी मल्टीपल हर्डल है, तो यदि आपके पास कोई पोजिशन है तो ट्राई करें निकल जाइए। 4150 एक मेजर हर्डल है, जब तक वो लेवल पार नहीं करता है नीचे में एक बार 37 तक के लेवल बनेंगे, तो कोई मेजर कन्विक्शन नहीं है, रेंज बाउंड बायस वाले हैं, लिमिटेड अपसाइड एज वेल एज द लिमिटेड डाउनसाइड वाले ट्रेड है ये। ठीक है, छोड़ देते हैं दोनों शेयर्स के अंदर, दोनों के अंदर कोई कन्विक्शन भी ज़्यादा नहीं है, भाव भी ऐसे नहीं है टूटे भी ज़्यादा नहीं है, अनवाइंडिंग वाले थीम के दोनों शेयर्स को आज हम रोक लेते हैं, फिलहाल इसमें कोई ट्रेड नहीं बनेगा। अब तक मैं आपको एक समरी कर दूं, जितने हमने शेयर डिस्कस किए हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर चंदन जी का व्यू पॉइंट पॉजिटिव है, फटाफट से सारा स्क्रीन पर डाटा फायर करते जाइए। और लॉन्ग पोजिशन से हमने बंधन और पॉली पूछा, दोनों पास हो गए, बंधन बैंक पर भी ट्रेड ले सकते हैं, पॉली कैप पर भी ट्रेड लिया सकता है। शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट पर आपको गुजरात गैस एक पुल बैक का सौदा मिलेगा, इस पर ज़्यादा ध्यान रखना होगा। जब हम शॉर्ट्स की बात बोलते हैं मंदी वाले शेयर पे, उसमें RBL अभी कमजोर है, 123 तक आ सकता है टूट के। अनवाइंडिंग के दोनों शेयर्स आज छूट गए, अनवाइंडिंग के दोनों शेयर्स में किसी तरह की कोई पोजीशंस नहीं है, तो जो भी ट्रेड अब तक डिस्कस हुए और आपको सारे सौदे हमने कन्वर्ट करके बता दिए स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक बार चंदन जी अपनी आप रिकमेंडेशन दे दीजिए, आपके स्टॉक कौन से हैं? बिल्कुल, मेरे स्टॉक्स की यहां पे बात करूं तो दो काउंटर पे मेरा फोकस है, एक तो है इंडिया सीमेंट, 217 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी, 240 के टारगेट है। दूसरा यहाँ पे SRF रहेगा, 2685 के स्टॉप लॉस से 2835 के टारगेट रहेगा। ठीक, एक आप कह रहे हैं SRF और दूसरा आप कह रहे हैं इंडिया सीमेंट, दोनों के लेवल जरा नोट कर लेते हैं। SRF पे आपको बाय करना है और फिलहाल मार्केट भी ऑलमोस्ट डी हाई पे ही है, मार्केट छोड़ के एक बार जरा पहले SRF दिखाइए ताकि टारगेट अच्छे से नोट हो पाए, और इंडिया सीमेंट के भी टारगेट एक बार चंदन जी वापस बता देंगे, इंडिया सीमेंट का रेट क्या है? बिल्कुल, इंडिया सीमेंट की हम बात करें तो 217 का स्टॉप लॉस है, 217 का टारगेट 240 के रहेंगे, और दूसरा ट्रेड SRF का रहेगा, 2685 का स्टॉप लॉस, 2835 के टारगेट। ओके, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आप कार्यक्रम में जुड़े और आपने बताया इन दोनों शेयर्स के बारे में। आज हम शेयर्स ज़्यादा इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि एक तो शुक्रवार का दिन है, दो दिन की छुट्टी है, और अगला वीक जो है वो थोड़ा छोटा है ट्रेडिंग के हिसाब से, इसलिए पोजीशन ज़्यादा ना रखें, जो रखें वो पक्की रखें। इसलिए चंदन जी के दोनों शेयर्स आपकी स्क्रीन पर, SRF या आप नोटिस कर लीजिएगा, इंडिया सीमेंट या आप नोटिस कर लीजिएगा, ये दोनों शेयर्स आपकी लिस्ट में आ गए हैं। आज पॉलिसी का दिन था, RBI गवर्नर ने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा हम पॉलिसी में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन FY23 के लिए GDP को घटा रहे हैं, इन्फ्लेशन को हल्का सा बढ़ा रहे हैं। सुन लेते हैं वो क्या कह रहे थे। बेस्ड ऑन एन असेसमेंट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन एंड द आउटलुक, वोटेड यूनानिमसली टू कीप द पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज्ड एट 4%। द MPC ऑल्सो डिसाइडेड यूनानिमसली टू रिमेन अकोमोडेटिव while focusing on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. The marginal standing facility, that is MSF rate and bank rate, remain unchanged at 4.25%. Further, it has been decided by the Reserve Bank to restore the width of the liquidity adjustment facilities, that is the LAF, L-A-F, that is the LAF corridor, to 50 basis points, 50, to 50 basis points, the position that prevailed before the pandemic. The floor of the corridor will now be provided by the newly instituted standing deposit facility, SDF, which will be placed 25 basis points below the repo rate, that is at 3.75%. I shall explain the details in this regard in the later part of my statement. Real GDP growth for
the year 2022-23, that is the current financial year 22-23, is now projected at 7.2%. I repeat, 7.2%, with Q1 22-23 at 16.2%, Q2 at 6.2%, Q3 at 4.1%, and Q4 at 4%. Assuming crude oil, that is Indian basket, at $100 per barrel during the year 2022-23. On the assumption of a normal monsoon during 2022 and average crude oil price, that is the Indian basket, at $100 per barrel,